नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2018 शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस की टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, जो मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कोच थे जॉन्टी रोड्स, जो कि 2009 से मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़े थे और काफ़ी ज़्यादा लगाव था जॉन्टी रोड्स को मुंबई इंडियंस की टीम से, लेकिन दोस्तों अभी जॉन्टी रोड्स 2018 आईपीएल में मुंबई इंडियंस की फील्डिंग कोच की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जॉन्टी रोड्स ने मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़ दिया है उनके कुछ पर्सनल घरेलू रीज़न की वजह से। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने जॉन्टी रोड्स के बदले एक नया फील्डिंग कोच अपॉइंट किया है, उसका नाम है जेम्स पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, जेम्स पेमेंट जो है वो जॉन्टी रोड्स की जगह लेंगे मुंबई इंडियंस की टीम में एज ए फील्डिंग कोच। दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही दुख भरी बात है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए, क्योंकि दोस्तों जो जॉन्टी रोड्स है वो फील्डिंग के मामले में एकदम नंबर वन खिलाड़ी थे और 2009 से जॉन्टी रोड्स मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़े थे। इतने साल गुजारने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़ देना यूं ऐसे अचानक में कोई एक घरेलू रीज़न की वजह से, तो दोस्तों मुंबई की टीम को ये बहुत बड़ा झटका है। जॉन्टी रोड्स जो कि एक अहम भूमिका निभाते हैं एज ए फील्डिंग कोच, दोस्तों 3 बार मुंबई चैंपियन बनी है, जिसके अंदर जॉन्टी रोड्स का भी कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा योगदान रहा था। तो दोस्तों, अभी जॉन्टी रोड्स के बदले जेम्स पेमेंट जो कि नए मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कोच बने हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में यानी 2018 आईपीएल में देखते हैं इसका मुंबई इंडियंस की फील्डिंग पे क्या असर पड़ता है, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, मुंबई को एक झटका लग चुका है जॉन्टी रोड्स के रूप में। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही क्रिकेट और आईपीएल की खबर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबा देना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।